आज आपको लेसन नंबर 10 में हम बताएंगे कि आपको जो आपकी यूट्यूब एड्स है उसको आपको टारगेट किन पर्सन को करना है, किन वीडियोस पे आपको यूट्यूब की एड्स लगानी है। ठीक है, कल आपको बताया गया था कि आपको यूट्यूब पे एड्स जो आती हैं उसका गूगल अकाउंट पे अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रोम पे जाने के बाद आपको पहले की तरह गूगल्स गूगल एड्स सर्च करना है। ठीक है, गूगल एड सर्च करने के बाद आपको गेट मोर कस्टमर विद इजी ऑनलाइन, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, देन आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आएगा, शो होगा। ठीक है, देन आपको न्यू कैंपेनिंग पे जाना है, देन प्लस न्यू कैंपेनिंग पे। ठीक है, इसके बाद आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो, सेल्स लीड चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, प्रोडक्ट एंड ब्रांड का चाहिए, ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, रीच चाहिए, एड प्रमोशन चाहिए। फिलहाल मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ अभी। इसके बाद आपको वीडियोस पे क्लिक करना है, देन आपको कंटिन्यू करना है। आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कल भी बताया गया था कि आपको ऐड किस टाइप की लगानी है। ठीक है, आप यहां से सर्च कर सकते हो, 15 सेकंड वाली लगानी है, नॉन स्किपेबल वाली, या बड़ी लगानी है, बम्पर ऐड लगानी है, आप यहां से सर्च क्लिक करके उसे कंटिन्यू पे उसका कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। देन आपके सामने पेज शो होगा, क्रिएट योर कैंपेनिंग एंड कन्फर्मेशन। ठीक है, क्रिएट योर कैंपेनिंग तो अपन ने कर लिया, अब हमें कन्फर्मेशन करनी है इसके बाद कि ये सब करने के बाद हमें कंफर्मेशन करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम आ जाते हैं नेटवर्क्स, नेटवर्क्स पे देखो क्लिक किया, इसमें आ रहा है कि आपको वीडियो कहाँ दिखानी है, यूट्यूब सर्च रिजल्ट पे, यूट्यूब वीडियोस पे। ठीक है, सर्च में वो आ जाती है जैसे हम स्टार्टिंग में यूट्यूब को जब सर्च करते हैं वहाँ पे ऐड दिखानी है या यूट्यूब के वीडियोस में दिखानी है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं ये कहूँगा ज़्यादा ज़्यादा यूट्यूब की वीडियोस में दिखाओ ताकि बंदा जो है वीडियो को देखता है तो उसका ध्यान एड्स की तरफ भी जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लैंग्वेज सर्च करेंगे। अब हमें लैंग्वेजेस कौन सी चाहिए, अब मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो मैं हिंदी, इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो इंग्लिश सर्च करूँ, ऐसा नहीं है, हर बंदे को लैंग्वेज आती है। अगर आप इंडिया की ही डालोगे तो काफ़ी पर्सन को इंडिया की आती है, तो लैंग्वेजेस हमेशा आप रखो ऑल, ऐसा नहीं है कि हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है वो, इसके लिए और लैंग्वेजेस रखो कि इंग्लिश वाले को हिंदी नहीं आती होगी, हिंदी वाले को इंग्लिश नहीं आती होगी, और लैंग्वेजेस पे क्लिक करो। आपको नहीं पता कि आपकी यूट्यूब की वीडियो कौन देख रहा है। उसके बाद आता है लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन है ऑल कंट्री एंड टेरिटरी, इंडिया एंटर अनदर लोकेशन। ठीक है, जैसे इंडिया है, इसके बाद मैं कर लेता हूँ एंटर अनदर लोकेशन, इसमें आ जाता है एंटर अ लोकेशन टू टारगेट और एक्सक्लूड, इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं डाल देता हूँ अम्बाला, ये देखो आ गया ना अम्बाला टारा कैंट हरियाणा। इसमें मैं अगर टारगेटेड पे क्लिक करूँगा तो इससे क्या होगा कि ये सिर्फ एड जो है अम्बाला कैंट में ही दिखेगी। ठीक है, और अगर मैं ये दूसरा एक्सक्लूड करता हूँ देन इसमें क्या होगा कि मेरी एड जो है अम्बाला कैंट में तो दिखेगी बट अदर अदर जो सिटीज़ हैं उनमें भी दिखाई देगी बट अम्बाला कैंट में ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एडवांस सर्च। ठीक है, इसमें एक तो आ जाता है आप यहाँ से लोकेशन सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ से मैंने लोकेशन सर्च कर दी अम्बाला सिटी। ठीक है, यहाँ से लोकेशन सर्च के लिए हो जाएगा। दूसरा आता है इसका रेडियस, रेडियस में क्या आता है, जैसे मैंने मुझे पता है कि मेरी एक फॉर्च्यून की दुकान है सिंपल सी, ठीक है, जैसे राशन पानी की। ठीक है, तो मैंने जैसे एरिया सेट कर लिया अम्बाला सिटी। ठीक है,
जैसे सूर्यकुंड अम्बाला, जैसे अभी फिलहाल के लिए कैंट कर लेते हैं, अम्बाला कैंट सर्च कर लिया, ठीक है, अम्बाला सिटी भी हो जाएगा, यहाँ से कैंट भी हो जाएगा, देखो दोनों का, ठीक है। अब मुझे पता है मेरी फॉर्चून की दुकान है, मैंने यहाँ से अगर बाई चांस अम्बाला सिंपल अम्बाला कैंट ही सर्च कर लिया, ठीक है, और यहाँ से मैं ये सर्च कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मेरी फॉर्चून की दुकान है, मेरे पास पर्सन कहाँ तक का आ सकता है, 5 से 7 किलोमीटर तक का मैक्सिमम 7, तो मैं यहाँ पे 7 किलोमीटर डाल दूंगा, तो इससे क्या होगा कि मेरी जो एड है 7 किलोमीटर के एरिया में ही दिखाई देगी, ठीक है, जिससे क्या होगा मुझे फ़ायदा होगा कि मेरी अगर ऑफलाइन की एक दुकान है, आसपास के पर्सन है 7 किलोमीटर के आसपास के, तो उन्हें ऐड देख के वो इजिली मेरी दुकान तक आ सकते हैं, मैं 50 किलोमीटर कर दूँ, 100 किलोमीटर कर दूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन दूर से कस्टमर आपके लिए नहीं आया। अगर आपका अच्छा कोई ब्रांड है, शोरूम है, उसके लिए बंदा आ सकता है, बट ये फॉर्च्यून की दुकान इसके लिए नहीं आएगा, तो इससे अच्छा 7 से 8 किलोमीटर करो, इजिली बंदा आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, आपको लोकेशन सब बता दी, इसके बाद आप आ जाओ डेमोग्राफिक पे, ठीक है, ये आ गया डेमोग्राफिक। सबसे पहले आ जाता है इसमें जेंडर, फीमेल मेल अननोन, अननोन वो होते हैं जो बिना जीमेल पे आईडी बनाए यूट्यूब को चलाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि यूट्यूब को नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, उसकी एज क्या है, ठीक है, उनको भी वीडियो दिखा सकते हैं, और यहाँ से आप एज लिमिट भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब मुझे पता है कि मैं अगर मान लो यूट्यूब पे एक चैनल बनाता हूँ, मैं उसकी प्रमोशन कर रहा हूँ ऐड लगा कर, सिंपल, ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरी यूट्यूब पे पबजी कौन खेलता है, 18 से 24 और क्या ये 25 से 34, 34-35 साल तक के खेलते हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड इन्हीं को दिखें, ये मेरे पबजी के चैनल पे आएँ, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और व्यूअर बढ़ें, ठीक है, देन तो इस पे हो जाएगा, उसके आ जाए पेरेंटल स्टेटस, नॉट अ पेरेंट, पेरेंट अननोन, इसमें आपको कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हो इसके नीचे, ये आपको हाउस होल्ड इनकम रहने देना है, ये इंडिया में नहीं है। ऑडियंस, ऑडियंस आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा कि ऑडियंस को आपको कैसे सिलेक्ट करें, यहाँ आ जाता है कीवर्ड्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया पबजी, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ साइट रिलेटेड वेबसाइट pubg.com, ठीक है, pubg.com मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद आप ये देख सकते हो कि ये कीवर्ड सर्च हो गए पर सुजेस्ट किए हैं जो ये इसने यूट्यूब ने, गूगल एड्स ने, कि ये वर्ड्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये सुजेशन इसको खुद दिखा दिए, या एंटर योर प्रोडक्ट, और अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, आप वो भी एंटर करके यहाँ से कीवर्ड्स ले सकते हो अपनी ऐड पे लगाने के लिए। उसके बाद आता है टॉपिक्स, ठीक है, टॉपिक्स में आ जाता है, अब आपको देखो आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, ऑटोस एंड व्हीकल्स, ब्यूटी एंड फिटनेस, बुक्स एंड लिटरेचर, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, फाइनेंस, फूड ड्रिंक, हेल्थ, ठीक है, जैसे मेरी पबजी गेम है तो मैं गेम पे क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो बहुत सारे आते हैं, रियल इस्टेट, रेफरेंस, साइंस, शॉपिंग, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, ठीक है, ये सब कुछ इसमें आ जाते हैं कैटेगरी में, ठीक है, तो मैंने यहाँ से गेम सर्च कर लिया, ठीक है, टॉपिक मैंने गेम सर्च कर लिया। इसके बाद आ जाता है प्लेसमेंट्स, अब मैं तुम्हें प्लेसमेंट का बताता हूँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है, ठीक है, प्लेसमेंट पे क्लिक किया, यहाँ से आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, अब मान लो पबजी का कोई भी है, स्काउट की गेमिंग है, ठीक है, 1.2 मिलियन है व्यूज़ है, ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये आ गई इसका 1.28 मिलियन कमेंट, इतने ये इतना है, ठीक है, ये वीडियो देखो, ये जैसे पुराने ऐड आ जैसा गई आश्रम है, ना ठीक है, आइए आपके ऐड बाबा लगी साहब, जो कर रहे हैं ना वो ना कोई कर रहा है और ना। उसके बाद यहाँ से मैं कॉपी वीडियो यूआरएल कर लूँगा, देन जाकर वीडियो कंपेनिंग में प्लेसमेंट्स में जाकर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद इससे क्या होगा,
की ऑप्शन आ जाएगा यूट्यूब वीडियोस। इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा कि मेरी जो ऐड है इसी इस पे सिर्फ इसी वीडियो पे लगी रहे, इससे आपके पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं क्योंकि बंदा बार बार देखता है, ठीक है। 1.2 मिलियन है तो ये क्या करेगी कि आपकी ऐड इसी में ही दिखाएगी, सिर्फ एक इसी वीडियो में। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया, ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी वीडियो ऐसी है जो समझ नहीं आ रही है, ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है किसी वीडियो में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उस वीडियो का सोल्यूशन बता दूंगा। अगर आपको समझ नहीं आता है, मैं आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसे ठीक कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए, और अगर आपको यूट्यूब चैनल पे डालोगे तो ये यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी उस पर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको ऑडियंस कैसे करनी है, ठीक है। थैंक यू एंड बाय।